की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर वेबसाइट के अंदर इस तरीके से देखते हैं री इंटर बैंक अकाउंट नंबर, तो इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे आपको कौन सा बैंक अकाउंट नंबर डालना है या फिर इसका मतलब क्या है, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को आप यहाँ पर पूरा ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है हमारे सामने, ऊपर है बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, हमने यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया है। अब यहाँ पे वापस से क्या, यहाँ पे भी बोला जा रहा है री इंटर योर बैंक अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे आपको कौन सा नंबर डालना होता है, किस टाइप से डालना है, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपसे दो बार एक ही बैंक अकाउंट आपसे डालने के लिए बोला जाता है। अब जस्ट यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए वो यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डालना होता है तो वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आपने एक नंबर डाल दिया, अब यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता, ठीक है, यहाँ पर आपको अपने टाइप से हाथों से ही टाइप करना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा कि कोई नंबर अगर आपका गलत भी हो जाता है, मान लीजिए आपने ऊपर एक नंबर डाला है और बाय मिस्टेकली अगर आप गलत नंबर नीचे डाल देते हैं तो ये आपको वार्निंग दे देता है कि आपका ये नंबर गलत है, ठीक है। अभी हमने नंबर डाल दिया तो यहाँ पर देखिए नंबर नीचे जस्ट लिखा गया हमें वार्निंग के तौर पर, जो री इंटरनेट बैंक अकाउंट नंबर है शुड बी सेम, मतलब यहाँ पे दोनों में से कोई एक नंबर आपका गलत हो रहा है, दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर पा रहे, ठीक है, इस वजह से लिखा आता है, क्योंकि बैंकिंग के रिलेटेड जो भी ऐप हो गए वेबसाइट हो गए उसमें ज़्यादातर हमें यही देखने को मिलता है कि हमें दो चांस दिए जाते हैं अकाउंट नंबर डालने का, ठीक है, एक बार हमारा गलत हो जाता है, बाकी अगर दोनों टाइम हमारा गलत नहीं हो सकता, इस वजह से यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिया जाता है, और यहाँ पे आपका जो नंबर है वो शो भी नहीं होगा, यहाँ पे ये हाइड रहेगा, तो यहाँ पे आपको ऊपर जो नंबर डाला है वही डालना है, बाकी आप देख कर डालिए जिससे कि आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे ना आए।